हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रोजगार सेवक के लिए वैकेंसी आई है। रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, बीपीओ, इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जो कि हमारे ब्लॉक में आई है और धीरे धीरे करके हमारे सारे ब्लॉक में वैकेंसी निकाल दी जा रही है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये वैकेंसी किस ब्लॉक के लिए है और इसमें क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पोस्ट काफ़ी अच्छी दी गई है, तो अगर आप चाहो तो इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसमें सारी डिटेल बताती हूँ कि इस फॉर्म को हम लोग फिलअप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसमें एज लिमिट क्या है और इसमें PGDRT को प्रायोरिटी दी जाएगी कि नहीं। तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं उसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक के लिए जो वैकेंसी है वो आई है और उसमें टोटल 22 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 10 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट हैं। तो इसमें आप चाहो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, इसमें जो हमारा एजुकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो लोग ITI किए रहे हो वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 10th पास हो तब आपको ITI की आवश्यकता होती है, यानी कि जो लोग 10th से पास किए हैं उन्हें नीड है कि वो ITI करें। और यहाँ पे अगर हम 10th पास हैं और 12th पास हैं तो यहाँ पे हमें ITI की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर रहे तो उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन हम उस टाइम भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 12th ग्रेजुएशन और PG के मार्क्स के आधार पे होगा। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अतिरिक्त योग्यता में क्या होना चाहिए। PGDRD, PGDVA, और भी अगर क्वालिफिकेशन होती है तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है ताकि वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाए हमें। और इसमें हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो सैलरी है वो कितना है। तो हमारा सैलरी जो है वो मंथली हमें 7,500 मिलेगा, यानी कि 7,500 हमें सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि रिजेक्ट क्यों किया जाता है फॉर्म को। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी बात सुनिए कि अगर आपने शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट इसमें नहीं लगाए हैं आप, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही रीज़न होता है कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आपका जितना भी क्वालिफिकेशन होता है उसके जीरोक्स के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करना रहता है। फॉर्म को फिलअप करते वक्त वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे आप एफिडेविट को लगाएं। यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र और यहाँ पे जो है आपका अगर EWS होता है तो उसे भी आप लगा सकते हो, और यहाँ पे एफिडेविट को लगा सकते हो, आधार कार्ड और आपका जितना भी क्वालिफिकेशन का जीरोक्स होता है उसे लगा सकते हो। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ कि ये वैकेंसी आई कहाँ के लिए है। तो ये वैकेंसी अभी अभी आई है गढ़वा के लिए। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अगर आप गढ़वा या गढ़वा के आसपास के रहने वाले हो तो। और इसका जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2021 तक ही है और शाम 5 बजे तक, और ये जो है आपका ऑफलाइन मोड में हो रहा है। तो इस फॉर्म को हमें फिलअप करके पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना होता है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं मैंने आपको दे दी हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूटती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और भी ब्लॉक में वैकेंसी आ रही हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लॉक में अभी 1-2 साल के अंदर जो जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उसके बाद आपका कुछ साल के लिए वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी किसी न किसी ब्लॉक में फॉर्म फिलअप करो, वहाँ पर आपका जो है जॉब हो जाए। तो अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप अपने ज़िले के वेबसाइट पर जाना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। और इसका अगर फॉर्म आपको चाहिए तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करके बता दीजिएगा, मैं आपको फॉर्म को प्रोवाइड करा दूँगी, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर सकते हो।